ठीक है बच्चों, आज हमने आगे करना है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन of electric field. बिल्कुल सिमिलर है जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो यहां पे ड्रॉ सी करते हैं हम यहां पे कि मेरे साथ ही ड्रॉ करो। इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 and we are interested in electric field at some point P. So Q1 की वजह से there will be field at P. There will be field at P due to Q2 as well. So we'll call it position vector of P with respect to 1. This is position vector of P with respect to 2. And of course, position vector of P. Different books mein different terms use ki hoti hain, usse farak nahi padega hame. So, who is this? Position vector of 1 and position vector of 2. थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कल का जो एक फॉर्मूला हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसको थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं हम पहले। ये रीकैप हो गया, आपको ध्यान है कि अगर यहां पे चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पी पे देयर वाज इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे इस तरह से था आर कैप, तो ये फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की थोड़ी सी रिवीजन है वेक्टर फॉर्म में। 1/4πε0q/r² इनटू आर कैप। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं q/r² आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r³ इनटू आर वेक्टर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर के मॉड का क्यू। तो दिस इज आप, तो हम सारे इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी रिकैप था कि प्रिंसिपल स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस केस में देखो ध्यान से, जहां फील्ड चाहिए होता है वहां आर लगेगा और नीचे आर का मॉड आएगा, राइट। तो अब आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी को याद आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? According to principle of superposition, electric field at a point is independent at a point due to a charge. Due to a charge is independent
इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. इसका मतलब Q1 का अपना फील्ड है, Q2 यहां पे है या नहीं है, ये ऐसे ही रहता है. Q2 का अपना फील्ड है, Q1 यहां आ भी जाए ये ऐसे ही रहता है. Then what will be the, अगर मैं टोटल फील्ड ढूंढ रहा हूं तो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस. तो यहां पे फील्ड ड्यू टू हम यहां पे ढूंढने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, up to Qn. Qn मैंने यहां शो नहीं किया. क्योंकि शुरुआत में मैंने काफी डिटेल में वेक्टर्स के बारे में बता दिया था, तो इस बार फिर मैं यहां नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको अपने आप ही पता है अब आप बड़े हो गए कि कौन R1 है कौन R2 है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन लिखो मेरे साथ. वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर पी वन का मैग्नीट्यूड इनटू आर पी वन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू क्यू टू अपॉन RP2 for Q and here is RP2 button. EN 1 upon 4 pi epsilon naught QN RPN and here RPN. Obviously the net electric field is given by net electric field at P is given by E1, E2 up to what? EN. मेरे धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है तो इनमें कॉमन चीजें देख लिया. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और तो कुछ है नहीं. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 RP1 मॉड और साथ में उसका वेक्टर भी आएगा भाई साहब. इट विल बी RP1 Q2 अपॉन RP2 RP2 here as well. Qn upon RPN come out into RPN. इसे summation form में लिखे हम सब मिलके. P हर जगह पे आना है और वन चेंज हो रहा है टू चेंज हो रहा है एन तक जा रहा है. तो इन समेशन फॉर्म वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन फॉर्म में सिखा नहीं रहा यहां पे ना आपको ऑलरेडी आनी चाहिए. हिंट दे दूंगा क्यू आई एक बार लिख के साइड बोल रहा हूं आर पी आई और आर पी आई ये
you can put up a large bracket here. I को change करते जा रहे हैं तो ये recreate हो रहा formula हमारे पास. Right? इससे भी ज़्यादा important जो format है, जो board exam हमेशा कभी tough करना तो कोई question आ सकता है, लेकिन excuse me sir. तो summation वाला समझा दो please. बेटा इस summation, वैसे summation का meaning पता है आपको, नहीं पता? Yes sir. नहीं, क्या मीनिंग होता है समेशन का? सम ऑफ. हाँ, तो एनीवे इसका और कोई किसी को समेशन ना समझ आती हो चैट में बताएं हाथ खड़ा करके. समेशन का फॉर्मेट किसी को क्लियर ना हो तो ये अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा. और किसी का आया नहीं अभी तक. एनीवे अगर ए वन लिखो ना ए टू प्लस अप टू ए एन तो इसे हम लिख देते हैं समेशन आई गोज फ्रॉम वन टू एन. तो यह क्लास के बाद भी अगर मैं आपको ये बता दूंगा अगर बाकी को डाउट है ना, ये मतलब होता है कि आई की वैल्यू वन पुट करो प्लस आई की वैल्यू टू पुट करो ऐसे भी बढ़ता जाता है. सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला ये वाला, यहाँ वन 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 फिर इसी को चेंज कर दिया, वन की जगह पे आ गया टू टू टू, ये बढ़ता जा रहा है. तो हमने जहाँ जो चेंज हो रहा है ना उसको आई लिख देते हैं. तो उसकी वजह से यहाँ पे आई की वैल्यू पहले वन पुट करनी है प्लस फिर आई की वैल्यू टू पुट करनी है इस तरह से. तो अगर आपको थोड़ी कमी लग रही हो ना तो क्लास के एंड में याद करा देना, मैं करा दूंगा. ठीक है सर, आ गया समझ. थैंक यू. तो यहाँ पे अभी हमारी बात चल रही थी that is rp one vector will be rp minus r1 vector, that is position vector. ये वाला यहां से triangle loss है, final position minus इधर को जा रहा है ना, ये right को one से n p direction की तरफ जा रहा है तो ये put होता है rp minus r1. तो we can have a in this general form as well. तो मैं क्या करता हूँ, जनरल फॉर्म की बजाय 1/4πε0, बड़ी मेहनत रहती है बच्चों अगर चीजों को अच्छे लेवल पे समझना, आर पी माइनस आर वन, तो जो मैं मिटा चुका हूँ उसको फॉलो कर लो, क्यू आर पी माइनस आर वन. ये प्योर जेई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब वैल्यूज पुट करके. ये हमारे पास आ गया, तो ना एक एग्जांपल करनी जरूरी हो ही गई है. ध्यान दो यार, यहां पे P कौन सा पॉइंट है जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है एट P, और ये कौन है जिनकी वजह से है. और इस फॉर्मूला को देखना जरूरी है कि जब भी हमने करना है तो जहां ढूंढना है माइनस चार्ज की पोजीशन, जहां ढूंढना है माइनस चार्ज की पोजीशन. तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 1, 2, 3 ड्यू टू टू चार्जेस फोर माइक्रो कूलम आरपी कर दो. तो मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइन बार बार मैं थोड़ा ठीक कर लेना इसको 4, 5, 6 और यहां पे 3, 4, 5 एंड
3 micro coulomb, 2, 3, 4. इसको कर लेते हैं, बस वैसे ही कुछ कर लो। अब आपने ध्यान देना है कि किसी एक को Q1 बोल दो, किसी एक को Q2 बोल दो और इसको चला दो, ये दो बार चलाना पड़ेगा हमें। तो मैं इसको, ये तो P है ये, और एक को किसी को Q1 बोल देते हैं, हालांकि बोलने की जरूरत नहीं है, दो बार करना है इसको क्योंकि फॉर्मूला सामने है तो ज्यादा बोलना है यहाँ पे। E is equal to, मैं काम और करते हैं, RP minus R1 अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले में टाइम वेस्ट होगा, यानी कि RP minus R1, RP कितना है, RP minus R1, तो थोड़ा सा बड़े बच्चे मान रहा हूं फिर मैं कि P में से फाइनल वेक्टर माइनस RP है, 4i का है, 5j का है, 6k का है और 1 है, 3i का है, 4j का है, 5k का है, तो RP minus this basically 4 minus 3i का है, 5 minus 4 j का है and 6 minus 5 k का है, ये हमारे पास आ गया RP minus R1, तो test i cap plus j cap plus k cap, साथ ही हमें इसका mod भी ढूंढ ही दें, RP minus R1 का mod क्या होगा, it is 1 square plus 1 square plus 1 square का 1 by 2, it is 3 का 1 by 2, 1 plus 1 plus 1, 3 होगा। Similarly, आप अगर हम करें RP minus R2, P में से अब 2 minus करना है, तो ये आ जाएगा आपका 4 minus 2 I cap, 5 minus 3 J cap plus 6 minus 5 K cap, यानी कि RP minus R2 is equal to 2 I cap plus 2 J cap प्लस के कैप, आप ही माइनस आर टू भी आ गया हमारे पास, लेकिन साथ ही हमें पता है ये नीचे वाले मॉड भी मांगे ना हमसे, तो आर पी माइनस आर टू का मॉड इट इज टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का वन बाय टू, ये आ गया आपका दो दिन नाइन, फोर फोर प्लस एट नाइन का वन बाय टू मतलब थ्री। तो फिर अब हम यहां पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 9 इंटू 10 रेस पर 9 Q1, Q1 कितना है जी, 4 माइक्रो कूलम्ब, 4 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6, और RP माइनस R1 यानी कि 3, मैं छोटे स्टेप यहां लिख रहा हूं, और RP माइनस R1 कितना आया था, I cap plus J cap plus K cap plus 3 into 10 raised to power minus 6, और यहां पे हमारे पास 3 आ गया था इटसेल्फ, तो मॉड का क्यूब है, ये मॉड है इसका क्यूब, तो मॉड का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, और साथ में कौन आया था, ये 2 I cap 2 J cap plus K cap। तो आगे वाला मैथ मैं नहीं करूंगा, आपको सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में मिल गया, उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, Ex i cap, Ey j cap and Ez k cap। पेपर में आपको शायद एक ही कंपोनेंट पूछा हो तो कंपैरिजन से आप बता सकते हो, पहले आपको ऐड करना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे। तो ये एग्जांपल यहां खत्म करते हैं, हम आगे चलते हैं यहां से। जैसे ही क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में किए थे ना बच्चों, वैसी सिमिलर एग्जांपल्स यहां पे भी हैं और करनी है हमें।
I need some more space on the board. So मैं सब I hope आप note कर चुके होंगे. तो मैं इसको रब कर रहा हूँ. शाबाश. As I told you, कुछ similar examples होगी. दिमाग में ये बात रखते हुए कि हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे फील्ड उससे अवे होता है और अगर माइनस चार्ज हो तो उसकी तरफ होता है. एक तो ये बात. दूसरा यहां पे हमारे पास इनका फॉर्मूला कितना होता है वो भी हमें पता है कि क्यू अपॉन व्हाट आर स्क्वायर. फिर मुझे उसने बोला कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये बी है और ये सी है. तो हमें टू फाइंड फील्ड एट ए. तो मैं अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूँ मैं वेरिएबल्स फिर से पढ़ाता हूँ. अगर आप जो पिछला रिवाइज कर रहे हो तो आपके लिए ये आसान होगा कंपैरेटिवली पढ़ाना. तो अब एट वाली बात याद है आपको. फील्ड कहाँ ढूंढना है ए में. ए पे पूछूं कौन कौन फील्ड दे रहा है यहाँ पे. कहता बी भी फील्ड दे रहा है यहाँ पे और सी भी दे रहा है. अच्छा बी पॉजिटिव है तो बी से अवे होगा. तो अवे मैंने लेकिन मार्कर टिप यहाँ रखी है ये फील्ड ड्यू टू ए और सॉरी फील्ड ड्यू टू क्या बोलना चाहिए मुझे बी. यहाँ वो डबल रोटेशन छोड़ दी एट ए टू बी सीधा बी नाम रख दिया उसका. और ये सी की वजह से प्लस है तो ये भी यहाँ पे ये 60 है तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री. तो इस केस में अगेन पुरानी बातें ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई बोल देते हैं दोनों है ना. ओके इस वजह से क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो दोनों के बीचों बीच आएगा. सेम ना होती तो ना आता बीचों बीच. ये ई नेट ई नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस 60. कॉस 60 वन बाय टू होता है तो इट इज ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर वन बाय टू रूट. तो जो सिंपल कैलकुलेशंस है मैं लिख भी रहा हूं लेकिन थोड़ी फास्ट. आप भी यहां अपना हाथ फास्ट चला लिया लिखा जरूर करो. तो इट इज 3 ई स्क्वायर यानी कि रूट 3 ई. तो बार बार क्वेश्चन करेंगे तो कई बच्चों को याद ही होता है अगर ऐसा आ रहा है 60 रूट 3 मेहनत करने पे. तो रूट थ्री ई ई कितना जी के क्यू. तो फाइनल आंसर क्या दोगे आप के क्यू अपॉन ए स्क्वायर. और अगर बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो फाइनल आंसर 1/4πε0 जो लिख दो ताकि एग्जामिनर किसी तरह का कोई शक ना रहे कि आपको क्या पता क्या. नेक्स्ट तो नेक्स्ट आप सब कर रहे हैं थोड़ा सा ना मुझे आपकी प्रेजेंस फील हो जाएगी यार. कौन कौन बच्चे हैं तो मैक्सिमम आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स और आप इसका आंसर निकाल रहे हो. अब दोनों क्वेश्चंस देखने में सेम सेम है फर्क भी है. यहाँ प्लस प्लस था यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है. तो यहाँ पे आपको अगर बताना है तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आई एम डेलिबरेटली गिविंग इट बिकॉज अभी तक वन साइड कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं मुझे अच्छा लगता है वहां कई बार प्रॉब्लम होती है तो डाउट रेलेवेंट है अभी या नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वो सारा कुछ आपका क्लियर हो. तो लेकिन अभी फिर आपको 2 मिनट दिए मैंने
मैक्सिमम बच्चे चैट में अपना आंसर लिखो। हो सके तो डायरेक्शन भी बता दो। गुड, कुछ बच्चों ने लिखना शुरू किया है लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सही है या गलत है। अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों का आंसर आ गया, शाबाश। आई एम टेकिंग एज अ बेंचमार्क कि कितने सीरियस बच्चे वहां बैठे हैं। गलत आंसर लिखने से भी मतलब ना शर्माओगे, गलत है राइट है। अगर आपको लग गया कि आंसर है टू राइट दैट। एक बच्चे ने और इम्प्रूवमेंट करी है, उसने डायरेक्शन ही बताई है बच्चों अपने। बहुत बढ़िया, इट वाज जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर फ्रॉम माय साइड कि बच्चे मेरे पूरे इन्वॉल्व है सामने, तो आई मुझे खुशी भी हो रही है कि सिमिलर क्वेश्चन हमने किया वर्क फोर्स के लिए था। आप सभी ने अभी तक जितने आंसर आए हैं ठीक आए हैं, कोई गलत नहीं है। डायरेक्शन और तो हमारा ध्यान है अगेन एट ए पे। जिन बच्चों को आंसर नहीं आया तो मानते हुए कि उन्हें समझ शायद ना आया हो, उनके लिए काम कर रहा हूँ, उन्हें करना ही है सभी के लिए। तो बी ने अपने से दूर मारा फील्ड और माइनस है, तो बी ने सी ने अपनी तरफ फील्ड दे दिया, राइट। और अगेन स्टोरी वही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, सेम के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और एज यूजुअल हम इसको क्या बोल रहे हैं, ई नाम रख दिया स्क्वायर में, राइट। तो अब हमारे पास हमें पता है कि ये 60 डिग्री है और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। Although we have two methods कि मैं इनको resolve कर लूं, लेकिन again हमारी life आसान है कि दोनों का magnitude same है, तो resultant दोनों के बीच में आएगा center में, horizontal आ गया ना E net। तो ये किसी बच्चे ने ठीक आंसर लिखा हुआ है कि वो AC के साथ 60 degree angle बना रहा है और horizontal इस direction में। अगर IJ का लिखा होता तो आप पूरी बता देते। तो E net आ कितना है, लेकिन e square plus e square plus 2 e square cos 120 और cos 120 रहता है minus 1 by 2। It comes out to be e kq upon e square। तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने resolution वाला method किया या नहीं किया, लेकिन वो कर रहा हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए। इसी का मेथड टू, मैं सिर्फ मेथड टू है तो थोड़ा सा फास्ट ही कर रहा हूं। देखो ई, ये भी ई, और हमने इसको एक्स बोल दिया और इसको वाई बोल दिया। एक्स वाई बोलने से ये 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया, मतलब मैंने दोनों को ई बोल दिया होगा। E का इधर कंपोनेंट जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, शाबाश। और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, E का इस डायरेक्शन में कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, ये दोनों आपस में कट गए और हॉरिजॉन्टल वाले जुड़ गए। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि x के लॉन्ग नेट फील्ड आ जाएगा E net is 2E cos 60, 2E into 1 by 2, it is E again, it is KQ upon what? A square, very good। इस टेक्निक का फायदा ही होता है बच्चों कि अगर वैल्यूज कम ज्यादा नहीं हो ना तो भी आंसर प्रॉपर आ जाता है और डायरेक्शन भी आती है।
So let us do the next kind of question example. यहाँ पे ना मैं अब आपको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन सच्चाई है तो है, जब तक हम अच्छी तरह समझे ना तो डिफिकल्ट रहती चीज, तो इसलिए मैं जनरली डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज करके मैं आई यूज द वर्ड डिफरेंट, थिंग्स आर डिफरेंट, डिफरेंट होती हैं तो हमें डिफिकल्ट होती है। अगर हम उससे आंख से आंख मिलाए नहीं, जो चीज ज्यादा डराए ना उसे बार बार फेस करें तो तुझे देख ही लो तू है क्या, तो आसान हो जाती है कोई किसी भी चीज में, फिजिक्स नहीं कोई भी कुछ भी कर रहा नहीं। तो मैं फिर एक डिफिकल्ट पार्ट कहने को उठा रहा हूँ ग्राफ्स, ग्राफ्स में और रियली आपको पूरा ध्यान देना होगा, आपको डाउट भी आ सकते हैं। पहले गो में आपने सुनते रहना है, सुनना है, दिमाग लगाते रहना है, अटके रहो, चलो 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 चलो, फिर बीच में जब मैं स्टॉप हो जाऊँ देन कोई बच्चा बीच में बोल सकता है इसलिए दोबारा बताना, फिर आई कैन चूज द पाथ अकॉर्डिंग टू राइट। तो और ये चीज आप ये मान के चलो अगला जितना टाइम हमारा लग रहा है कि इट इज नॉट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली, इट्स अबाउट ग्राफ्स एज वेल, उनको देखना विजुलाइज कैसे करना है। ग्राफ ग्रेविटेशन में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो ग्राफ्स रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, मैंने हालांकि हेडिंग कॉमन लिख दिया है, टू से पहले हमें वापिस आना पड़ेगा वन की वजह से भी। तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यहां ना अब हम कुछ बोल लेते हैं assumptions, ये ओरिजिन ले लिया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अगर आप देखोगे मैं यहां से राइट की तरफ जाऊं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहां से डिस्टेंस आ रही है राइट, अगर मैं यहां से डिस्टेंस आ रही हूं इधर को भी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, लेकिन दोनों पॉइंट्स की बात करूं, अगर ये पी पॉइंट की बात करूं, क्यू पॉइंट की बात करूं, दोनों आर आर डिस्टेंस पे हैं, दोनों में कुछ सिमेट्री है और कुछ डिफरेंस है। सिमेट्री क्या है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, एक राइट को एक लेफ्ट को। तो फिर मुझे कुछ चूज करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़े और इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़े नेगेटिव। मे बी अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर फिर मैं एक्स एक्सिस ही बोलने लगा। तो what I want to say, अगर मैं x axis बोलता हूँ, तो यहाँ पे x distance लिया, ये distance minus x हो गया, वो that does not matter again, यानी कि यहाँ पे distance तो minus ही होना कभी, ये point minus x हो जाएगा, ये point x हो जाएगा। अब ना be careful कि इन दोनों में से ये electric field को अगर due to our assumptions, इसको मुझे positive sign देना पड़ेगा, वो graph में अगर positive negative हुए तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और इसको मुझे कौन सा साइन देना पड़ेगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई काम ज्यादा नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है, वो सिर्फ वेक्टर्स में कम इतनी। तो फिर ये मैं आपको सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, एक एक फोर्स है 10 न्यूटन आई कैप, एक फोर्स है माइनस 10 न्यूटन आई कैप, तो बताइए दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी है, F1 बड़ी है या F2 बड़ी है, एक 10 न्यूटन आई कैप है और एक माइनस 10 न्यूटन आई कैप है। यस बच्चे का आंसर आया बड़ा क्विकली, मैं यही आंसर चाहता था, सेम है, बिकॉज यहाँ पे प्लस और माइनस बड़े छोटे नहीं वेक्टर्स में, दे आर जस्ट टेलिंग अस कि हाँ भैया एक ईस्ट को है तो दूसरी वेस्ट को है, बराबर ही। तो अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला होता है, k q / r स्क्वायर, तो मैं इसे यही लिख देता हूँ, डायरेक्शन वाली बात पे भी वापस आऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस k q / r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर,
as at a point at r is equal to 0, e will tend to what? Infinity. तो यानी क्या मतलब है, चार्ज के अपने ऊपर, पहली बात तो अपने ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन चार्ज के नजदीक चला जाए तो फील्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां भी देखने वाली बात है, अगर मैं चार्ज के जस्ट बाई तरफ रहता हूं, ये दो पॉइंट, ये ए और बी दोनों बड़े नजदीक नजदीक है, तो यहां पे फील्ड प्लस इंफिनिटी कहना जाएगा और यहां पे क्या देना जाएगा, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इधर को फील्ड राइट को है और इधर को फील्ड लेफ्ट को है। तो उस पॉइंट पे बहुत जबरदस्त ब्रेक आ जाता है कि दैट इज डायरेक्शन की वजह से एक को हमें प्लस इंफिनिटी शो करना पड़ेगा, इधर आगे तो एक को माइनस इंफिनिटी शो करना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाएंगे और क्लियर होगा ना, मेरी बात सुनते जा रहे। दूसरी बात, एज आर टेंड्स टू इंफिनिटी, यस, ई विल टेंड टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जाके अगर अकेला चार्ज है बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके। तो हियर वी गो फॉर द ग्राफ। इधर मैंने एक्स बनाया, अब ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैंने एक्सिस बनाया। तो अगर मैंने एक्सिस बना दिया है, मेरी प्रॉब्लम है मैं अगर ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो इधर पॉजिटिव वाले फील्ड मुझे इधर बताने पड़ेंगे, नेगेटिव वाले फील्ड मुझे इधर बताने पड़ेंगे। और यहां पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। तो आपको समझाने की कोशिश करने से पहले मैं सिर्फ ग्राफ ही बना रहा हूं। पहली बात तो मैंने यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बना दिया ग्राफ, क्योंकि जो हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हमने इसके जो प्लस एक्स की तरफ पॉइंट्स हैं वहां पे फील्ड राइट हुए और राइट वाले हमने क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव। तो इसीलिए ऊपर वाला फील्ड बनाना है, ये नीचे वाला फील्ड नहीं बनाना। ये इसकी स्लोप फिर ज्यादा मैटर नहीं करती, वो आप मतलब रफली इस तरह से दोनों तरफ टच नहीं करना आपने, ये भी बता दूं। इधर इंफिनिटी कभी जा पाएगा और इधर जीरो तब होगा जब इंफिनिटी पहुंचेगा। अब बात आती है इधर कि इधर तो हमने कर लिया, इस पॉइंट पे आपसे दो ऑप्शंस पूछने लगा हूं, हाउ शुड आई ड्रॉ द फील्ड इन दिस क्वाड्रेंट जहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो एक ये क्या है कि तो ये ऑप्शन वन, ये ऑप्शन टू, दोनों में से एक ग्राफ आना है। तो कैन यू टेल मी कौन सा ग्राफ आएगा? शाबाश शाबाश, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, मैं राइट और रॉन्ग ही बोलूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऑल आर राइट, तो दैट इज, जो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे डज नॉट मैटर टू मी, वो दो कारणों से ना दे रहे हो, कहीं देना नहीं चाह रहे, कहीं क्विकली लिख नहीं पा रहे, तो कहीं को आता नहीं, एनी केस कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो रीजन है आपको मैंने समझाया इतना बढ़िया कि आपको समझ आ गया। तो एनी वे लेफ्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फील्ड कैसा शो होना था, नेगेटिव। तो ये वो सिचुएशन है जहां एक्स भी नेगेटिव है और फील्ड भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट ही बन रहा था जहां पे एक्स भी नेगेटिव है और फील्ड भी नेगेटिव है, बाकी बनने पीछे ऐसे ही। अब ना लेकिन एक बात और है, व्हाट विल यू से, इस तरह फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं क्या? ये फील्ड डिक्रीज नहीं कर रहा, ये कहना फील्ड इंक्रीज ही कर रहा है, उसकी वैल्यू इंफिनिटी की तरफ है, इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ एंड कर रहा है और इधर माइनस। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेक है डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली। नॉन मेडिकल बच्चे ज्यादा समझ सकते हैं चीजों को, लेकिन मेडिकल के बच्चे मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंग्वेज भी क्या रखा है। वेरी गुड, तो फिर मेरी यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स करती हो जाएंगी। एक अकेला माइनस क्यू चार्ज लेंगे, फिर हम दो चार्जेस ले लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर प्लस टू क्यू थ्री क्यू, ऐसे करते हैं बात। तो फिर आज का हमारा एक ग्राफ्स के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, गुड। तो ऐसा करो ना आप लोग, मैं जब तक बनाता हूँ अगली तैयारी करता हूँ, तो ये लो आप ग्राफ बनाओ उसके लिए और अपना नोट्स बना लो एडिंग माइनस क्यू के लिए। आप
बेटा कौन है रिया रिया बडवार ने कौन सा एक्सप्लेन इसको एक्सप्लेन करने को बोला है इससे पिछले वाला अगर आपने पिछले वाला बोला है बिल्कुल 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 पीछे वाला बेटा ग्राफ क्लास के बाद ही आपको ना क्या करना पड़ेगा बिल्कुल ग्राफ्स की नॉलेज कम होगी कोई इशू नहीं है उसका क्या होता है कि फर्स्ट वो में कम समझ आया तो दोबारा देखो उसको मैं समझाऊंगा तो क्लास को उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है इतना डिटेल में हुआ डेफिनेटली क्लास खत्म होती है तो आप पहुंच जाना ठीक है जाना मत तो सर इट इज पॉसिबल फॉर द ग्राफ टू बी इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एट एनी इंस्टेंट कौन बोल रहा है सर अवनीत अभी वही बात होने चाहिए ग्राफ को हर क्वाड्रेंट में नॉन मेडिकल या मेडिकल आपका मेडिकल डोंट वरी डोंट वरी तो यहां पे हमारे पास माइनस क्यू तो इसीलिए मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ मेडिकल नॉन मेडिकल फिर भी बच्चों को ग्राफ का टॉपिक ही होता है डिपेंड करता है टीचर करवाते हैं जरूरत से अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है और यहाँ भी टुवर्ड्स द चार्ज हो गया अब ई एक्स का कौन सा डोमेन है पॉजिटिव लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन में इधर को आ रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे शो करना पड़ेगा नेगेटिव इसका मतलब जब एक्स पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव शो करना है सिमिलरली जहां पे एक्स नेगेटिव है इस रीजन में ई क्योंकि राइट को है इस वजह से पॉजिटिव शो करना है तो एक्स जबकि कैसा लेना है यहाँ पे हमें तो कौन सा क्वाड्रेंट बन गया अभी जहां पे एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ई कौन सा है नेगेटिव यहां एक्स पॉजिटिव और ई नीचे को आ रहा है ये नेगेटिव तो ई इज नेगेटिव वी विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस मैं ग्राफ की शक्ल में जाना सिमिलरली यहां पे अब जहां एक्स नेगेटिव है एक्स नेगेटिव चल रहे हैं तो ई कैसे चल रहा है पॉजिटिव ये वाला क्वाड्रेंट है कि एक्स नेगेटिव और ई कैसा है पॉजिटिव तो वी विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस यही तो आपको सोचने में मूल तो इससे पहले रिया बेटा आप चीजों को देखो अभी भी देखो ठीक है तो मतलब हर अगली चीज को समझते जाओ जहां पे तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है कोई इशू नहीं मैं साथ ही मांगते और जोर के जोर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होते हैं हमारे तो क्लियर है यहाँ पे प्रणीत आपने पूछा था तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज तो ये हमारा ग्राफ आ गया तो अब सच बताऊं मैं आपको कि प्लस वन का एक्सपोजर बहुत मैटर करता है तो मैं कोशिश करूंगा कि चल रहे हैं टाइम अब एक्सपोजर 14 के बाद जो भी रीअलाइनमेंट होती है हमारी टाइम ज्यादा और बनाना पड़ेगा और सब कुछ और आपके साथ फॉर्मल इंट्रोडक्शन जब तक होती है कि कौन क्या पढ़ रहा है कौन क्या पढ़ रहा है किस लेवल पे पढ़ रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं तो अभी तो मैं दो चार्ज बनाऊंगा तो दिमाग बुरी तरह से हिल सकता है बच्चों का डज नॉट मैटर कोशिश करनी है हमें पहले मेन चीज ये समझनी है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा की वजह से प्लस माइनस नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज नहीं है प्लस माइनस है वो डायरेक्शन और डायरेक्शन ही प्लस माइनस किसने ढूंढी हमने हमने इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ रहा है ये नेगेटिव है इसलिए नहीं इधर को है इसलिए नेगेटिव है और क्योंकि इसको पॉजिटिव बोला हुआ है ये कहानी है अब यहाँ मुझे नहीं पता पॉजिटिव है मैंने देखा राइट को है अच्छा राइट को है राइट को लेफ्ट पे बोलते हुए भी इसका एरो राइट को है राइट वाले एरो कौन से होते हैं तो ये काइनेमेटिक्स में बेस बनता है बच्चों इसका मोशन वैंडी में बात समझो तो आपका बन रहा है बड़े अच्छे बच्चे हो सीखो क्विकली सीखते जाओ कोशिश करो इन्वॉल्व करो ये बात का आंसर देना जब ग्रेविटी की बात होती है ग्रेविटी में हम करते हैं ना बात की ये अर्थ है यहां से बॉल ऊपर को फेंकी ऊपर बॉल ऊपर गई ऊपर से नीचे गई तो एक अपर डायरेक्शन हो गई एक डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई है ना तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है अपवर्ड पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है अपर नेगेटिव तो लिख के बताओ मुझे यस शाबाश प्रज्योत हैज गिवन अ वेरी राइट आंसर कि आर वेस्ट देयर इज
कोई पॉजिटिव भी होती कोई नेगेटिव भी होती, इवन राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव नहीं होती, ईस्ट वेस्ट रियल। तो जब भी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो वहां से हम डिसाइड करते हैं किसको पॉजिटिव बोलना है किसको नेगेटिव बोलना है। दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन को हम डिपेंड करता है कि हमें कन्वीनियंस क्या है। घर पे अगर हमने किसी को रास्ता पर रास्ते बताने हैं हम कई बार ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का सहारा लेते हैं, कई बार क्रॉस रोड का सहारा लेते हैं कि उस रोड पे सीधे चले जाना फिर राइट चले जाना फिर लेफ्ट चले जाना, जबकि राइट और लेफ्ट भी रिलेटिव है कि आप किधर से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो। दैट्स वाई कोई डायरेक्शन पॉजिटिव होती नहीं है, वो हमें बतानी पड़ती है। अगर हमने ये ले लिया ये पॉजिटिव है तो राइट वाले एरोस पॉजिटिव, लेफ्ट वाले एरोस नेगेटिव। आगे चलते हैं यहाँ से। तो यही चार्जेस बना देंगे, यही ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे जिन बच्चों का एक्सपोजर कम है वो घबराएंगे नहीं, फिर मतलब दैट विल लीड टू कि मैं क्वेश्चन ही ना करूंगा, है ना। मुझे लग गया है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं। ये हमने पॉजिटिव एक्स ले लिया, मैं मेंशन कर लेता हूं यहां पर नेगेटिव एक्स ले लिया और यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। क्या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसके बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। कल की क्लास पे डिपेंड भी कर रहा है, यहाँ पे इसका फील्ड राइट होगा इसका फील्ड लेफ्ट होगा। तो यार आपको ये ना मानते कि आपको ये भी नहीं पता, अगर नहीं पता तो फिर तो हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, बड़ी बातें नहीं कर सकते। तो सेंटर में इसका फील्ड कितना हो गया? जीरो, दोनों की वजह से। अच्छा अगर यहाँ जीरो है तो बच्चों जीरो कभी भी गुजरता है ना तो जनरली मोस्टली पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड गुजरेगा या नेगेटिव से पॉजिटिव। अब दूसरा फंडा आपने जो सीखना है कि चार्ज के बिल्कुल अपने ऊपर, याद है आपको चार्ज के बिल्कुल अपने ऊपर यानी कि फील्ड टेंड्स टू व्हाट? इंफिनिटी। और इसके अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल पास चला जाऊं, बिल्कुल पास चला जाऊं तो इसके दाईं तरफ फील्ड होगा, बिल्कुल नजदीक चला जाऊं इधर तो बाईं तरफ फील्ड होगा, पॉजिटिव है। इसको मैं क्या मानता हूं बोलता हूं, फिर कैसे समझाता हूं बच्चों को कि चार्ज के बिल्कुल नजदीक रहेंगे ना अगर, इसका भी यहाँ इफेक्ट होगा लेकिन उतना नहीं होने वाला, ये तो इसके सिर के ऊपर चढ़ गया, आर टेंड्स टू जीरो चल रहा है, इंफिनिटी की तरफ वैल्यू चल रही है। तो जिसके पास आ जाए उसकी चलेगी, यानी कि इसके पास आए हुए हैं तो इसका फील्ड ये डोमिनेट करेगा, इसका भी होगा इधर को लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसके पास फील्ड बिल्कुल राइट को और इसके भी बिल्कुल अपने पास इसी की चल रही है। दैट इज द मेन थिंग विच आई टेल टू माई स्टूडेंट्स। इसका पहले यहां देखें तो पॉजिटिव डोमेन में लेके जाना पड़ेगा, यहां देखें तो नेगेटिव डोमेन। इसका मतलब कहानी यहां से स्टार्ट करनी पड़नी है। अब क्या हुआ? अब अगर इसके पास आ रहे हैं, अब अगर इसकी अपने इलाके में ये शेयर था तो अपने इलाके में ये शेयर, इसके अपने पास अवे फ्रॉम हियर, अवे फ्रॉम हियर। तो भैया ये देखो बेशक वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं देखता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एरो देखते हैं, एरो के दूंगा मेरे साथ। तो यहाँ पे दैट इज इधर को राइट एरो जा रहा है, पॉजिटिव ले लिया हमने पॉजिटिव डोमेन में, और क्योंकि इधर को नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव डोमेन में। और ये भी ना भूलो ये वाली चीज कि जब बिल्कुल पास आ जाते हैं तो फील्ड कहां चला जाता है? इंफिनिटी की तरफ। तो यहां पे हमारे पास ये पैराबोला बोला नहीं है सर बच्चों, कुछ भी जस्ट एक रफ आइडिया है, पैराबोला नहीं है वो, उसके लिए वो निकालने पड़ेंगे। तो ये कंटिन्यूअसली बनाया मैंने, जाना तो उसने है ही है। पैराबोला तब होता है स्क्वायर फंक्शन हो, हम उस पर भी बात नहीं कर रहे। तो इट इज अप्रोक्सीमेट ग्राफ का आइडिया दिया जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे। दूसरा अब अगर यहाँ बात करो इस रीजन में, यहाँ आ जाऊ तो दोनों का फील्ड कैसा हो रहा है?
ये वन, इसे मैं वन बोल दू, इससे मैं टू बोल दू, तो वन की वजह से भी अपने से अवे, पॉजिटिव से अवे, और टू की वजह से भी अपने से अवे। अच्छा जी, इसका मतलब दोनों का फील्ड किधर को आ रहा है? ओवरऑल लेफ्ट को आ गया है। ओहो, इसका मतलब ये नेगेटिव डोमेन पे जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो नेगेटिव ही एक्स है, नेगेटिव फील्ड आया क्योंकि लेफ्ट को इसलिए। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे नाम इसी में आएगा, चार के पास इन्फाइनाइट फील्ड और दूर जाते जाते जीरो जाएगा। सिमिलरली यहां दोनों का, वन भी अपने से अवे मार रहे हैं, टू भी अपने से अवे मार रहे हैं, इसका मतलब नेट फील्ड किधर को आ गया? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट का मतलब यहां पे फील्ड कैसा लेना अपने? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली दूर चले जाएंगे जब इंफिनिटी पे, फिर जीरो हो जाएगा। मैंने यहां पे थोड़ा सर्च कर दिया लेकिन आपको तो भी पॉजिटिव का मतलब किया। फर्स्ट टाइमर्स है ना जिन्होंने ग्राफ को कभी ज्यादा देखा नहीं, कभी बात नहीं करी उससे, तो वो कैसे पढ़ते? मैं आपके स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने ब्रेन पे बहुत जोर लगाता हूँ, लगाया मैंने बहुत लाइफ में। तो टीचर मैंने पहले मुझे मान लो कुछ ग्राफ का पता ही नहीं था, फिर साथ समझाया पहली बार, मैं घर जाऊंगा कॉपी को ध्यान से देखूंगा और उसमें अपने आप को इन्वेस्ट करूंगा, दोबारा ड्रॉ करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव देखूंगा, देन आई विल कम टू द टीचर, सर मैंने ये कोशिश कर ली है और ये हो गया और ये तो समझ आ गया। जब भी डाउट पूछो ना, डाउट पूछने का मतलब पता होता है, एक जनरल होता है सर समझ नहीं आया, नहीं आया वो आना भी नहीं। एक होता है कि सर मैं घर गया, मैंने देखा, मैंने कॉपी पे ये सारा देखा, ये तक तो ठीक चल रहा था और ये नहीं पता चल रहा कैसे हो रहा है, दैट इज फॉर डाउट। अगर आप जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो नथिंग, तो यू कैन सी द फ्यूचर हियर, थिंग्स विल कीप ऑन गेटिंग स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। तो आज के लेक्चर ऑलमोस्ट टाइम हो गया हमारा, तो कल मैं इसको ऊपर उठाऊंगा इस लेवल को, ऑपोजिट चार्जेस भी लेंगे, फिर एक जो जेई के अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा हमारा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, बड़े वाला होगा, फील्ड बाहर जीरो होगा, तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ ऐसी बातें भी होगी, लेकिन वो कल उन्हीं को समझ आएगा जो आज का पढ़ के आएंगे। और आज का जो हमने किया है, कल आते ही मैं पहले 5 मिनट, ये अगर आपके जो जिन बच्चों के फॉर एग्जाम्पल मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो जिनका भी डाउट होगा तो कल उठाऊंगा ग्राफ के डाउट्स, वो जो वो मुझे क्लास में आते ही बोलेंगे सर वो प्लस प्लस वाले में राइट वाला समझ आ गया था, ये नहीं समझ आया, ऐसा क्यों हुआ, करेक्ट? अब बोलिए बच्चों, कोई डाउट हो किसी का, मतलब इसके रिलेटेड वाला आई वुड लाइक टू टीच टुमारो, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, गुड का मतलब ये नहीं सर से पढ़ता रहता था, अगर पढ़ रहा तो ध्यान से समझता था मैं, ये चीजें ठीक है। यस बच्चों, सर एक क्वेश्चन था। हां जी बेटा बोलो। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज एन इनिशियल वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास आएगा ना, अभी पैराबोलिक पाथ, तो वो भी क्वेश्चन क्या आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रही है या वैसे कर रही है? सर ऑप्शंस दी हुई है आगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इक्लिप्स, पैराबोला। हाँ बिल्कुल, तो वहां पे हमें क्या करना होगा सर, ये एक्सप्लेन कर दो, एलिप्स और पैराबोला मतलब कैसे होते हैं और कर्व्ड लाइन में डिफरेंस क्या है? तो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है? सर मेडिकल। मेडिकल में एलिप्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पैराबोला भी डेफिनेटली मैं जो भी स्ट्रेचर है अपनी कोशिश कर पाऊंगा बताने। सर जैसे इसके और भी ग्राफ वाले कई क्वेश्चन है जिसमें पाथ पर बताना होता है, वो कैसे? जो आपको बता रहा हूँ मेरी बात पूरा सुनो आप, तो ऐसे होता नहीं है, धीरे धीरे कई बार क्वेश्चंस भी कॉमन, जैसे एलिप्स वर्ड मेडिकल, तो एलिप्स तो हो नहीं सकता, एलिप्स का मतलब पता क्या होता है? वो गोल गोल घूमे अगर लाइक इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट मी टीच यू, पहले सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसने ऐसे बोल दिया, तो क्यू चार्ज है जो यू स्पीड से ऐसे किसी एंगल पे चला गया, राइट? तो इसको थीटा हमने, यू एक्स क्या हो गया हमारे पास, यू कॉस थीटा, और इधर कौन आ गया, यू वाई इज व्हाट, यू साइन थीटा। तो थीटा आप समझ पा रहे क्यों लिया मैंने, उसने डिफरेंट एंगल दिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आई कैन राइट, मेरे पास जो डिफरेंट, और एक इसके अलावा जो फोर्स लग रही है, इसको फोर्स हमेशा इसके अलाउंग लग रही है, इसे मैंने एक्स बोल दिया अनोइंगली और इसे मैंने वाई बोल दिया, फोर्स इसको सिर्फ इसी के अलाउंग लग रही है,
that is q into e. ax will be equal to qe by m, yani fx by m. And ay will be equal to 0 because y ke along usko to force ke mil. अब हमारे पास क्या बनेंगे फॉर्मूले, ये चलता चलता वैसे भी दिख रहा है मैं देखो कि इट इज लाइक दिस. तो अगर यू पे हमने इसको मारा है, ये ध्यान से देखो, रफ आइडिया देख के पास ही पता चलना मैथ अगर एग्जैक्टली बोला तो नॉन मेडिकल क्वेश्चन है. ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी एंड यू एक्स इज हाउ मच u cross theta into t. It gives me t is equal to x upon u cross theta. Similarly, y is equal to u by t plus half a by t square. So, यहाँ पे हमारे पास u by कितना है हमारे पास? बताना मुझे रहा u by है u sin theta. U sin theta. सर जैसे वो प्रोजेक्टाइल का केस किया था पैराबोला पाथ प्रूव करने के लिए वैसे तो बेटा ये पैराबोला है ना, इसका एक कंपोनेंट उधर पर, तो n2 t स्क्वायर. अब हमने क्या करना, t की वैल्यू उठा देनी है यहां पे u sin थीटा x upon u cos थीटा plus half qe by m into x स्क्वायर upon u cos थीटा. अब मेरा प्लस वन में ये मैं अपने बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स में करवा देता हूं कि जहां भी y is equal to ax square plus bx हो ना, यानी कि x की स्क्वायर पावर हो, ये आपको याद भी होगा प्रोजेक्टाइल में भी प्लस वन में करते हैं, किसकी क्वेश्चन होती है ये पैराबोला की. अगर फर्स्ट पावर हो y is equal to mx plus c तो ये होती है स्ट्रेट लाइन की. तो कई आंसर वो गलत करने के लिए देते हैं साथ में कि एलिप्स हो गया, चार घूम के वापिस आता, वापिस आने का मतलब नहीं है. तो ये आपको पता था कि ये वाली चीज पता है, नहीं पता तो नो बोल दो, दोनों चीजें पता है. यस सर. तो स्क्वायर जब भी है तो हमारी क्वेश्चन में कौन आ गया, एक्स की फर्स्ट पावर एक्स का स्क्वायर, ये कौन बन गया पैराबोला. क्लियर है? यस सर. और सर कर्व लाइन की क्या कंडीशंस होती हैं? अगर कर्व्ड पाथ हो तो उसका क्या मतलब है? नहीं कर्व्ड पाथ ही है ना, कर्व्ड तो कई तरह के हो सकते हैं. चलिए देखो, ये भी कर्व्ड पाथ है, ये भी कर्व्ड पाथ है, ये भी, तो वो पूरा मैथ है. कोई पैराबोलिक होते हैं, कोई हाइपरबोला होते हैं, तो कर्व तो मतलब बहुत सारे, सर्कुलर भी कर्व्ड पाथ है. तो पैराबोला इज वन स्पेशलिटी, स्पेशल पाथ.